कोविड 19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रदेश में किए गए लॉकडाउन के बाद कैंपियरगंज सर्किल क्षेत्र में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने सर्किल क्षेत्र में बने सभी बैरियरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गीडा थाना क्षेत्र के नौथड़ चौराहे पर बने बैरियर पर खुद घंटों खड़े होकर बेवजह बाहर निकले लोगों को कोरोना वायरस से बचने और उसके बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपने घरों में रहने की अपील करते हुए उन्हें वापस भेज दिया। इस दौरान गीडा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह सहित थाने और नौसड़ पुलिस चौकी के अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि रात्रि 10 बजे से और 13 तारीख को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश हुआ है, लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, जिसमें कि इसके तहत गैन चेकिंग किया जा रहा है कोविड 19 को देखते हुए, जिससे कि ये महामारी को कम किया जा सके, इस पर अंकुश लगाया जा सके, जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा ये दिशा निर्देश मिला है, उसको जनता से पालन कराया जा रहा है। हाँ, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ 188, और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके उसको जुर्माना किया जा रहा है, चालान किया जा रहा है, और साथ ही साथ दो पहिया वाहन पे अगर दो सवारी है तो उनकी भी कार्रवाई की जा रही है, चालान कार्रवाई की जा रही है।